प्रैक्टिस भी की हुई है, पास पेपर में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तकरीबन तो आपको पहले क्लास में भी जैसे मैंने कहता रहता था कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऑलमोस्ट 10 से 20 के दरमियान क्वेश्चन रिपीट होंगे। पर तो इसमें द डायग्राम शोज टू वेज ऑफ हैंगिंग द सेम पिक्चर, और इसमें पिक्चर सेम है। इसका मतलब अगर हम इसी बात को यहाँ से सोचते हैं कि ये सेम पिक्चर है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि वेट जो है दोनों पिक्चर्स के लिए वेट सेम, ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक जनरल सिचुएशन आपके लिए ड्रॉ की हुई है, बल्कि मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे हमने क्लास में ड्रॉ किया था वैसे ही एक सिनेरियो यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन की तरफ वापस जाएंगे। तो से दैट इज वेक्टर आर, ये टेंशन टी है, ये टेंशन डी है, और व्हेन एंगल इज सेम तो हम कहते थे कि जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो सेम होगा। इसका मतलब लेट्स से दिस इज टी वन, दिस इज टू टी टू, तो टी वन इज इक्वल टू टी टू एंड लेट दैट बी टी। अब ये वर्टिकल से जो एंगल बना रहे हैं, ये आपके पास एंगल जो है थीटा है, और अगर हम इसको अब रिजॉल्व करें तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा। ठीक है, चलिए मैं एक्सिस पे ड्रॉ कर देता हूँ इसको। तो एंगल के सामने क्या होता था, साइन थीटा, तो ये आ गया टी साइन थीटा, और ये आ गया टी कॉस वाई एक्स। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। द सेम वे अगर मैं यहाँ पर इसको रिजॉल्व करता हूँ, दिस इज टी साइन थीटा एंड दिस इज टी कॉस थीटा। और अब इसके अगर फ्री बॉडी डायग्राम में अगर बनाता हूँ तो मेरे पास जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा आर द रिएक्शन फोर्स इज अपवर्ड, दिस इज टी कॉस थीटा एंड दिस इज टी कॉस थीटा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें एवरीवन नोज। तो इक्विलिब्रियम के टर्म्स में राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो वी विल नॉट कंसीडर दीज फोर्सेस, वर्टिकली हमने इसको जज करना है। तो आर इज इक्वल टू 2t cos थीटा, सम ऑफ अपवर्ड इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड, तो t को यहां से सब्जेक्ट बना दें तो आर अपॉन 2 cos थीटा। ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर आप थीटा को सोचें और उसको कॉस थीटा से रिलेट करें और फिर टेंशन से रिलेट करें, से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर एंगल जीरो है तो कॉस जीरो इज मैक्सिमम दैट इज 1। ठीक है, तो जब आपके पास कॉस मैक्सिमम होगा, देखिए टेंशन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद कॉस थीटा,
जब कॉस थीटा आपके पास मैक्सिमम होगा तो टेंशन शुड बी मिनिमम, वैसे ही है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो टेंशन को भी नो सोचें, आप एंगल और कॉस थीटा को कंसीडर करें। जैसे फर्ज करते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि भाई एंगल 45 कर दें, तो दिस वुड बी 0.707। एंगल को 90 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो अब दोनों का रिलेशन आप यहां से सोचें, तो आपको जो नजर आ रहा है इस रिलेशन में, वो ये नजर आ रहा है कि एज थीटा इंक्रीजेस कॉस थीटा डिक्रीजेस। और अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है कि टेंशन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद कॉस थीटा। तो इसका मतलब जिसका जो कॉस थीटा होगा वो कम होगा, उतना उसका टेंशन ज्यादा होगा, यही बन रहा है ना। अच्छा, अब इसी बात को अगर मैं जस्ट फॉर दिस एमसीक्यू, जस्ट फॉर दिस एमसीक्यू अगर हम इसको डिजाइन कर लें, कुछ इस तरह से मैं आपको डिजाइन कर दूं, ये वैसे होता नहीं है, ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं सिर्फ। थीटा को मैं इनवर्स प्रोपोर्शनल कॉस थीटा से कर रहा हूँ, टेंशन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद कॉस थीटा, तो इसका मतलब टेंशन इज प्रोपोर्शनल विद थीटा। जिसका एंगल ज्यादा होगा वहां पे टेंशन भी ज्यादा होगा, इसको आप यूं सोच लें। मेरे ख्याल है इस पे कोई इशू नहीं है, ये सारा रिकॉल हो गया है। दोबारा से इसका सोल्यूशन यहाँ पर भी देख लें, दोनों सिचुएशंस में ये मेरे पास वेक्टर्स हैं, मैंने इनको यहाँ पर रिजॉल्व किया, यहाँ से टेंशन इज इक्वल टू आर बाय टू वन अपॉन कॉस थीटा आ गया, टेंशन इनवर्स प्रोपोर्शनल कॉस थीटा से आ रहा है, एंगल ज्यादा होगा कॉस थीटा कम होगा टेंशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एंगल कम होगा कॉस थीटा बढ़ जाएगा, इनवर्स है, उलट है। और जब कॉस और टेंशन को कंपेयर करें, जब कॉस थीटा बढ़ेगा तो टेंशन कम हो जाएगा। अब इन दोनों डायग्राम्स को देखें, दोनों डायग्राम्स में आप एंगल वन को देखें, थीटा वन को, तो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, तो जो एंगल ज्यादा है, जैसे मैंने अभी कहा टी इज प्रोपोर्शनल विद थीटा, जो एंगल ज्यादा है उसका टेंशन भी ज्यादा होगा, तो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, तो टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, ठीक है ना। तो ये बात तो आई होप क्लियर होगी है, क्योंकि ये सेम पिक्चर है तो वर्टिकल फोर्सेस तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकल जो फोर्सेस हैं ये तो एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो इसलिए मैंने ये जो ऑप्शन थे जिसमें आर जो थे एक दूसरे के इक्वल नहीं थे, इनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, और दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे था वो टी वन इज इक्वल टू टी टू, ये भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर नहीं थे। अगर दोनों एंगल्स बराबर होते तो मैं ए ऑप्शन को चूज कर लेता। तो विदाउट डूइंग एनी ऑफ दिस मैथमेटिक्स, हम इसको एक एजुकेटेड गेस से, एक लॉजिकल गेस से भी सॉल्व कर सकते थे कि दोनों सेम पिक्चर्स हैं तो इसके आर की वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, और उसके बाद दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है तो दोनों स्ट्रिंग जो दोनों पिक्चर्स हैं उनके टेंशन इक्वल नहीं होंगे, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ये जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए ये सारी कहानी आपको सॉल्व करके दी है। मैंने खुद इसको इसी ट्रिक से सॉल्व किया था कि दोनों के लिए आर बराबर होने चाहिए इसलिए सी और डी खत्म हो गए, दोनों के एंगल बराबर नहीं है इसलिए टी वन और टी टू बराबर नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली बी आंसर होगा, मैंने इस तरह से सॉल्व किया था। तो अगर आपको जो ये सारा मैंने, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सारा कुछ मैंने वेक्टर रिजॉल्व और ये सारा कुछ, आपको हो सकता है किसी डिफरेंट सिनेरियो का सिचुएशन आ जाए तो रिकॉल करने के लिए सारा कुछ मैंने यहाँ सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट शेप एज अ हेमिस्फेयर रेस्ट विद इट्स फ्लैट सर्फिस ऑन अ टेबल, द ऑब्जेक्ट हैज रेडियस आर एंड डेंसिटी रो। ये एक हेमिस्फेयर ऑब्जेक्ट है जिसको फिर मैंने यहाँ पे कोशिश की है आप इसको समझ सकें कि ये इस तरह का हेमिस्फेयर बन रहा है, इसका हेमिस्फेयर हाफ सर्कल। द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज 4/3 πr³। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था, तो आधा सर्कल है तो 1/2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यानी 2 पे डिवाइड कर दिया, सही है। विच एवरेज प्रेशर डज द ऑब्जेक्ट एग्जर्ट ऑन द टेबल। अच्छा, हमें एवरेज प्रेशर फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ से प्रेशर की इक्वेशन से स्टार्ट किया। वी नो दैट बाय द डेफिनेशन प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड फॉर दैट ऑब्जेक्ट द फोर्स इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो फोर्स की जगह एम जी आ गया,
और इसका एरिया इन कॉन्टेक्ट जो है ये सर्कुलर शेप सरफेस के साथ इन कॉन्टेक्ट होगा, तो इसलिए एरिया पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसका मास गिवन नहीं है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डेंसिटी की टर्म में चीजें आ रही हैं। तो फिजिक्स में जैसे हमने आपको पहले भी कहा था, जब आपके पास मास गिवन नहीं होता तो आप उसको डेंसिटी की टर्म में ब्रेक करते हैं। अब कैसे ब्रेक करते हैं, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इन टू वॉल्यूम के। तो डेंसिटी हमारे पास है, जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया पूरे स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ है, तो हेमिस्फेयर होगा तो ये हाफ हो जाएगा बेटा, तो इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम मैंने हाफ ऑफ स्फेयर वॉल्यूम जो है यहाँ पे रखा, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 3 2 times ये 6 हो गया और 4 अपनी जगह पे आ गया, तो ये 4/6 πr³ यानी 2/3 πr³ इसका मास बन गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मास आ गया। उसके बाद अब हमने इसको यहाँ पे रखा तो मास हमारे पास 2/3 ρ πr³ है, और ये जी यहाँ पे फॉर्मूले के एम जी का आ गया अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल आउट होके आर रह गया, तो ये बन गया 2/3 ρg, तो 2/3 ρg ये हमारे पास रिमेनिंग आ गया। तो प्रेशर की जो इसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर बन रहा है वो 2/3 ρg डी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, इसमें कोई मसला भाई तो मुझे बता दें। हमने प्रेशर फाइंड करना था, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स यहाँ पे वेट के इक्वल है, एरिया क्योंकि ये हेमिस्फेयर है और ये हाफ है यानी सर्कुलर पोर्शन इन कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पर जो एरिया इन कॉन्टेक्ट आएगा वो पाई आर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो m है दैट इज नॉट नोन, m को आपने डेंसिटी और वॉल्यूम की टर्म्स में ब्रेक किया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपके पास गिवन था, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है इसलिए आपने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो ये आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो मास आ गया 2/3 ρ πr³। अब इसको इस इक्वेशन में मास की जगह पे आपने इसको प्लेस किया, जी यहाँ पे आ गया, एरिया अपनी जगह पे आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास इक्वेशन आ गया 2/3 ρ r g। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, प्रेशर एग्जर्टेड आ गया बाय द हेमिस्फीयर ऑन दैट सरफेस। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोब इज यूज्ड टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द सी, द प्रोब इज सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड टू अ स्फीयर, द स्टेशनरी स्फीयर फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम ऑन द सरफेस ऑफ द सी। ये आपके पास स्टेशनरी एक प्रोब है जो फ्लोट कर रही है, तो ये आपके पास स्टेशनरी प्रोब है, इसमें अब देख लेते हैं क्या कह रहे थे। स्फीयर हैज अ वेट ऑफ 5 newton, ये 5 newton बेटा स्फीयर का वेट है। द प्रोब एंड स्ट्रिंग हैव कंबाइंड वेट ऑफ 2 newton, ये इसकी प्रोब और स्ट्रिंग का कंबाइंड 2 newton लोड है यहाँ पे। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1.03 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द प्रोब एंड द थ्रेड इज निग्लिजिबल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बिलो द सर्फिस ऑफ द सी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने बिलो द सर्फिस ऑफ द सी जो है वो फाइंड करना है। अब इसके लिए ये फ्लोट कर रही है, अगर सवाल को दोबारा देखें तो द स्टेशनरी स्फीयर फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम ऑन द सर्फिस ऑफ द सी वाटर। अच्छा, अगर आप अपथ्रस्ट को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, यहाँ पर ये आपके पास इस तरह की क्लास के अंदर हमने डायग्राम बनाई थी, और इसमें हमने कहा था कि ये हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये फ्लोट कर रहा है, पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसका मतलब वेट और अपथ्रस्ट इसके लिए बराबर है, वेट इसका ये एक्ट करेगा और अपथ्रस्ट यहाँ एक्ट करेगा। फिर हमने कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन हो एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से फ्लोट कर रहा होगा, तो उस वक्त आपके पास अपथ्रस्ट जो है
वो ग्रेटर होगी वेट से। और अगर कोई बॉडी इस तरह से सिंक करके डाउनवर्ड जा रही है या सिंक किया हुआ है, तो इसका मतलब वेट इज ग्रेटर देन अप थ्रस्ट। तो ये जो हमारे 99% बल्कि 100% क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में होते तो इसके अप थ्रस्ट, तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से इक्विलिब्रियम का केस है। इसमें दोबारा से आप फोर्सेस को स्टडी करें, इस सवाल को दोबारा देखते हैं कि एक प्रोब यहाँ पे दी हुई है, ये प्रोब जो है क्वालिटी ऑफ सी वाटर को मॉनिटर कर रही है, ये एक स्प्रिंग के साथ इन्होंने अटैच करके पानी के अंदर इसको जो है ये फ्लोट कर रही है, इक्विलिब्रियम में है, स्फेयर के साथ अटैच्ड है, स्फेयर का अपना वेट 5 न्यूटन है और प्रोब का वेट 2 न्यूटन है और ये इक्विलिब्रियम में, और डेंसिटी ऑफ द सी वाटर दिया है। उसने ये कहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर बिलो द सर्फिस ऑफ द वाटर, ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, और ये आपको पता है कि ये आपको अप थ्रस्ट के कॉन्सेप्ट से मिलेगा। तो अप थ्रस्ट के कॉन्सेप्ट में अप थ्रस्ट इज रो वी जी, अगर आप याद करें तो रो हम कहते थे दैट वाज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, वी इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन लिक्विड, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो अब वेट को और अब थ्रस्ट को मैंने सोचा, अब ये इक्विलिब्रियम में है तो मैंने इसको इस तरह से अप्रोच किया है कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी है, वेट ऑफ द स्फीयर प्लस वेट ऑफ द प्रोब एंड स्ट्रिंग, दैट इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स कौन सी है, अप थ्रस्ट ऑन द बॉल एंड अप थ्रस्ट ऑन द प्रोब एंड स्ट्रिंग, यही होंगी टोटल फोर्सेस। दोबारा डायग्राम पे आ जाए, फोर्सेस को सोचे, तो ये आपके पास टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस सोचे, तो ये वेट ऑफ द स्फेयर है, वेट ऑफ द प्रोब है, इन दोनों को सम कर लें, ये दोनों डाउनवर्ड फोर्सेस आ गए। उसके बाद आपके पास टोटल अपवर्ड फोर्स सोचे, अप थ्रस्ट ऑन द बॉल है एंड अप थ्रस्ट ऑन द स्ट्रिंग एंड प्रोब है। अच्छा, अब उसने कहा है इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर करें यहाँ पे देखें, द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन प्रोब एंड थ्रेड इज निग्लिजिबल, इसने इसको निग्लेक्ट कर दिया, ये निग्लिजिबल है। अब मैंने टोटल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, मैंने डायरेक्ट इसलिए अप्लाई नहीं किया कि मैंने कहा कि जो इसका सही सोचने का अंदाज है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो आपको आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन लगाई, टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्सेज आर द वेट ऑफ द बॉल एंड द वेट ऑफ द प्रोब, अप थ्रस्ट ऑन द बॉल एंड अप थ्रस्ट ऑन द प्रोब, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशंस द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द प्रोब इज निग्लिजिबल, दैट मींस इट्स जीरो, मैंने इसको जीरो कर दिया। अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया, वेट ऑफ द बॉल प्लस वेट ऑफ द प्रोब इज इक्वल्स टू अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉल, ये मेरे पास आ गया। वेट ऑफ द बॉल इज 5 एंड द वेट ऑफ द प्रोब इज 2 एंड द अप थ्रस्ट ऑन द स्फीयर वुड बी रो वी जी, आई नीड दैट वी, मुझे ये वॉल्यूम चाहिए। द सी वाटर डेंसिटी इज गिवन, जी इज गिवन इन आवर डेटा शीट, दैट इज 9.81। तो मैंने यहाँ पर इसको वैल्यूज रखी सी वाटर की डेंसिटी को, दोबारा से आप यहाँ से कुछ लोग अगर भूल गए तो वो यहाँ से दोबारा से इसको हाईलाइट कर लें, ये सी वाटर की डेंसिटी उसने बताई है हमें, द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज 1.03 × 10³। तो यहाँ पर मैंने ये आपको याद होगा, ये जो डेंसिटी होती है ये हमेशा डेंसिटी ऑफ फ्लूड होती है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं होती। तो ये डेंसिटी ऑफ फ्लूड, यानी फ्लूड इस केस में सी वाटर है, उसकी डेंसिटी आ गई, ये वॉल्यूम अननोन है, जी की वैल्यू 9.8 आ गई। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 6.93 × 10⁴ मीटर क्यूब, ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया विच इज विद इन द लिक्विड। और जब मैंने इसको यहाँ पर देखा तो ये मेरे पास ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन गया। तो मेरा ख्याल है कि सबको ये बात क्लियर है बेटा, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता सकते हैं, जो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वी नो दैट इट्स एन इमेजिनरी पॉइंट through which the whole weight of the object is assumed to be passing, ठीक है ना।
the geometrical center of the object बिल्कुल नहीं. The point at which the weight of the object may be considered to act, assumed to be passing and considered to act. बात देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, शायद P2 के लिए आपने याद भी की हो, इस तरह से मिलती जुलती. The point on the object about which there is zero net torque, नहीं जरूरी नहीं है. The point where gravity acts on the object, ये बात point, हर point पे gravity act कर रही होगी. Zero torque का मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो इक्विलिब्रियम में क्या पता ना हो उस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, कोई और फोर्स लगा के उसको बैलेंस किया जा सकता है. इसलिए ये भी मैंने किया, बेसिक डेफिनेशन ही इसकी बेटा ये है, डिफाइनिंग इक्वेशन ही यही है. तो इसका आंसर जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन बी. ये खैर रिकॉल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था. उसके बाद नेक्स्ट है, अ सिस्टम विद एन एफिशिएंसी ऑफ 74%. ये हमारे पास 74% सिस्टम की एफिशिएंसी दी हुई है. उसके बाद वेस्ट 230 वाट ऑफ पावर, पावर जो जाया कर रहा है वो 230 वाट है. व्हाट इज यूजफुल आउटपुट पावर, हमें आउटपुट पावर चाहिए सिस्टम की. अब इसको मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया हुआ है, मैं इसको दोबारा से आपको समझा देता हूँ सारा कुछ. तो सबसे पहले तो बेटा आप रिकॉल करें चीजों को, ये अंडर ऑब्जर्वेशन कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम सिस्टम कंसीडर करेंगे, जो हम पावर इन या एनर्जी इनपुट कर रहे हैं, और जो पावर आउट होती है ये हमेशा यूजफुल पावर होती है जिस चीज के लिए वो मशीन डिजाइन है, और साथ में कुछ पावर लॉस भी होता है. तो अगर हम वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर को रिकॉल करें तो हम हमेशा कहते थे कि जो इनपुट पावर है दैट इज द सम ऑफ पावर लॉस्ट या वेस्ट प्लस पावर आउट, दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास, जैसे फर्ज करते हैं हमने 100 जूल्स दिया, आउटपुट पे हमें 70 जूल्स मिल रहा है, तो 30 जूल्स हमारे पास लॉस्ट हो गया, ठीक है ना. तो इसी चीज को सोचते हुए हमने यहाँ पर ये पहले तो आपको सिस्टम समझा दिया, रिकॉल करा दिया, उसके बाद आप एफिशिएंसी को सोचें. तो एफिशिएंसी इज पावर आउट अपॉन पावर इन इनटू 100. इनटू 100 इसलिए किया कि डेटा मेरे पास परसेंटेज में गिवन था, ठीक है, अदरवाइज द रेशियो जो होता है पी आउट अपॉन पी इन ये एफिशिएंसी के इक्वल होता है. अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें, वी नीड दैट पावर आउट, उसने हमें पावर वेस्ट दिया हुआ. अब मुझे पावर इन जो है ये नहीं पता. अब मैंने क्या किया, आई यूज दिस इक्वेजन, ये इक्वेजन मैंने यूज की, पावर इन मुझे फाइंड करना है इसको, इसका वैल्यू. पावर वेस्ट मेरे पास 230 है प्लस पावर आउट, ये मेरे पास पावर इन की इक्वेशन बन गई. तो फॉर दिस पावर इन मैंने यहाँ पर 230 प्लस पावर आउट लिख दिया, और परसेंटेज मेरे पास 74 थी, तो 74 अपॉन 100 मैंने कर दिया, तो ये मेरे पास कुछ सिनेरियो ऐसा बन गया कि ये 0.74 हो गया और ये सारा क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला गया. तो 230 प्लस पावर आउट इज इक्वल टू पावर आउट, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू पावर आउट. अब मैंने इस पावर आउट को इधर शिफ्ट कर दिया और यहाँ से पावर आउट को कॉमन ले लिया, तो ये मैंने यहाँ से सिंपलीफाई किया, तो पावर आउट मेरे पास आ रहा है 654.6655 वॉट्स. ये मेरे पास इसका पावर आउट आ गया, यानी मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई स्टिक टू दैट बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही रहा. जो बेसिक हमने सीखा कि किसी भी सिस्टम के लिए जो पावर इन होता है वो हमेशा इक्वल होगा जो पावर लॉस्ट है प्लस पावर आउट. तो इस क्वेश्चन के अंदर पावर वेस्ट या पावर लॉस्ट उसने हमें दिया, हमने पावर इन फाइंड कर लिया. पावर इन क्यों फाइंड किया, हमें रिक्वायर्ड पावर आउट था, पावर इन वाज नॉट गिवन, तो हमने पावर आउट की टर्म्स में पावर इन को पुट कर दिया और इसको सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास पावर आउट आ गया 655 वॉट्स. तो अब हम ऑप्शंस पे वापस जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये सी ऑप्शन जो है 650 आ रहा है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो 2SF में हमारे पास 655 वॉट्स को जब 2SF पे लिखेंगे तो ये 650 वॉट्स बन जाएगा, ठीक है. बेस्ट पॉसिबल इसका सोल्यूशन यही बन रहा है.
Next question. A projectile of mass 0.25 kilogram is at a height of 30 meter above ground, horizontal ground, traveling at a speed of 15 meter per second. A short time later, it is at a height of 35 meter above horizontal ground and traveling at a speed of 5 meter per second. How much work is done against air resistance during this time? अच्छा, ये इसका scenario यहाँ मैंने design कर दिया है. ये यहाँ से पहला इनिशियली जब इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है तो ग्राउंड से ये 30 मीटर की हाइट पे है. ये फर्दर ऊपर जाता है तो इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है और ग्राउंड से ये 35 मीटर की हाइट पे है. तो ये जो जर्नी इसने अंडर कंसिडरेशन दी है, इसमें चेंज इन हाइट जो आ रहा है वो 5 मीटर आ रहा है. ठीक है, 35 मीटर का चेंज आ रहा है. यानी ड्यूरिंग दिस स्पैन हमें वर्क डन जो है एयर रेजिस्टेंस का फाइंड करना. अच्छा, अब यहां पर अगर आप याद करें तो स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनी के तौर पे हम सोचते थे, तो यहां पर कौन सी एनर्जी है जो ये लूज कर रहा है? तो आप देखें स्पीड कम होती जा रही है, इसका मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है. और गेन किस साइड कौन सी चीज हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है क्योंकि इसकी हाइट बढ़ती जा रही है. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अगर एनर्जी कंजर्वेशन से सोचे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. और क्योंकि यहाँ पे याद करें यही कहा जाता था, जो जहां पर भी डेस्टिनी होगी उस साइड पे आपने वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन को एड करना. तो ये मैक्सिमम हाइट की तरफ जा रहा है तो इसकी डेस्टिनी यूं सोचे कि मैक्सिमम हाइट है तो उस तरफ जाते हुए तो अब आपने जो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन है वो इधर ऐड कर दिया इसके साथ. ठीक है, मेरा आइडिया सब क्लिक कर गए. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये मैंने इक्वेशन बना ली है. अब बेटा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दो ओकेजन पे दी है, एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी और एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी. तो इनिशियल बन गई 1/2 एम यू स्क्वायर, फाइनल हो गई 1/2 एम वी स्क्वायर. तो असल में मुझे इसे पॉजिटिव रखना था तो मैंने बड़े में से छोटी काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दिया. ठीक है, तो समझ रहे हैं आप, एनर्जी ये स्केलर है तो मैंने सोचा था कि यार इसको पॉजिटिव रखते हैं. कुछ लोग सोच रहे हो शायद फाइनल में से इनिशियल क्यों नहीं माइनस किया, तो आई जस्ट वॉन्टेड के लॉस जो है इसका वो पॉजिटिव आए तो मैंने इसलिए इसको ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट किया. समझ आ गया क्यों मैंने ये एम यू स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर किया. अब ये हाफ एम कॉमन आ गया, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. तो एम की वैल्यू उसने 0.25 दी है, यू आपके पास 15 था, वी आपके पास 5 था, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया 12.74. अब जरा इस साइड पे आ जाए, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी एम जी डेल्टा एच. मैंने डायरेक्टली डेल्टा एच फाइंड कर लिया था वहां पे, तो मेरे पास एम भी है, जी भी है, डेल्टा एच भी है. तो मैंने यहाँ पे एम रखा 0.25, जी रखा 9.81 और डेल्टा एच रखा 5. यहां से जब मैं इसे वर्कआउट करता हूँ तो ये मेरे ख्याल से ये मेरे पास, अच्छा ये डायरेक्ट 12.74 बेटा उसका आंसर नहीं है, ये तो सारा सॉल्व करके मैंने लिखा हुआ, जगह कम थी. तो अगर कोई सॉल्व करना चाह रहा है तो भले सॉल्व कर ले. ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर भी बता दीजिएगा इसको फर्दर दूसरे पेज पे सॉल्व करें. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी. अब कोई मुझे इसका ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, प्लीज इसको कोई फाइंड कैलकुलेट करके मुझे बताए. मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त, कोई कैलकुलेट कर दे मुझे प्लीज. आप लोग बताएं ये कितना आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बता दो ताकि मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूं.
ठीक है बेटा, ये 25 आपने बताया। अब बेटा ये भी कैलकुलेट कर दो फिर, यार 0.25 इंटू 9.81 इंटू 5, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर दो, 12.26। अब बेटा तो 25 माइनस 12.26 इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, दैट इज 12.74। ये 12.74 आ गया, विच इज इनटू एसएफ 13 जूल्स। सही है, सबको समझ आ गया कैसे मैंने ये सॉल्व किया। तो बेटा ये 13 जूल्स बी इसका ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप इसमें हमें कोई मसला नहीं है। ये मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट है, अब स्ट्रेस स्ट्रेन के क्वेश्चंस आ गए। तो ए स्प्रिंग हैज एन अनस्ट्रेस्ड लेंथ ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज द एक्चुअल लेंथ एल नॉट। द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड and a force of 35 newton is applied to the other end so that spring extends. The spring obeys Hooke's law and has spring constant of 420 newton per meter. What is the strain of the extended spring? हमें strain find करना है extended spring का, और इसको अब हम find करते हैं, और logical thinking के साथ अगर हम सोचें तो हमारा जो स्ट्रेन होता है दैट इज एक्सटेंशन पर ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इन द गिवन सिनेरियो अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर एक्चुअल लेंथ 4.5 गिवन है, और आपको क्या चाहिए, यू नीड एक्सटेंशन, आपको एक्सटेंशन चाहिए। तो लेकिन उसने आपको हुक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, और उसने फोर्स भी आपको दिया है 35 न्यूटन। तो अब हम इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज कर लेंगे जो उसने इंफॉर्मेशन दी है, फोर्स दिए 35 न्यूटन, और हमें उसने ये बताया है कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। ये हमने यहाँ पर एफ इजिकल्स टू के एक्स, यहाँ से हमने एक्स को फाइंड कर लिया 35/420। तो स्ट्रेन इज एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, तो एक्सटेंशन की जगह मैंने 35/420 रख दिया। एक्चुअल लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। अब ये जो एक्सटेंशन था, अगर आप इसको देखें तो ये मेरा मीटर्स में आएगा, ठीक है ना, ये मेरे पास मीटर में आएगा एक्सटेंशन। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना चाह रहे हैं, मैं यूनिट्स की फॉर्म में सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू एफ अपॉन के, तो एफ आपके पास 35 न्यूटन है और के आपके पास 420 न्यूटन पर मीटर है। तो अब आपके पास न्यूटन न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, तो ये पर मीटर जब ऊपर जाएगा तो ये मीटर बन जाएगा। तो दिस इज 35/420 इनटू मीटर, तो ये मीटर में था, तो दैट्स व्हाई मुझे इस लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में लाना पड़ा। तो दिस इज 4.5 × 10⁻², ये मैंने मीटर में बना दिया। अब मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर इज 1.851। तो इसको यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे नजर आया वो सी ऑप्शन था, 3SF में इसने आंसर दिया हुआ, डेटा भी 3SF में था तो आंसर भी 3SF में, कोई मसला नहीं होगा। आई होप आसान काम था, मुश्किल नहीं था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड एक्सटेंडेड बाय अ फोर्स दैट इज अप्लाइड टू द अदर एंड। The force is slowly increased from zero and then slowly decreased back to zero. The force extension graph for the wire is shown. Ye force extension graph hai. The graph line for the wire being loaded is the same as the graph line for the wire being unloaded. Yani loaded jo aapke paas hai aur unloaded jo hai, dono ka pattern same. Agar aap yahan se स्ट्रेस स्ट्रेन, अगर आप उस क्लास को रिकॉल करें फोर्स एक्सटेंशन के ग्राफ्स वाली, तो
जब हम लोड बढ़ाते हैं, आप याद करें तो हमारा एरो ये था, मैंने लिखा था कि ये आपका लोडिंग का ग्राफ बनेगा, जब एरो इस तरह से एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है, लोड बढ़ रहा है और एक्सटेंशन भी बढ़ रही है, तो ये जो एरो है ये इसका आपका अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। उसके बाद फिर मैंने आपको एक और ग्राफ बना कर दिया था क्लास में, जैसे ये हमारे पास है और वी स्टार्ट, ये हमारी लोडिंग है। अब हम यहाँ से अनलोडिंग करना चाहते हैं, तो अनलोडिंग के लिए मैंने आपको कहा था कि जो आपके पास, एक मिनट इस लाइन को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, अब यहां से बेटा अनलोडिंग करनी है हमने, ये हमारे पास लोडिंग है, तो अनलोडिंग के लिए क्या कहा था आपको कि जो आपके पास यहां पर आपने यू लाइन ड्रॉ कर लेनी, जो स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन है वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिस पॉइंट से एग्जामिनर आपको कहता है कि आप अनलोडिंग ड्रॉ करें, आपने क्या करना है उस लाइन का आपने लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। ये जो वो लाइन जिसमें हुक्स लॉ ओबे हो रहा है वो ये वाला पोर्शन है बेटा, उसको मैंने हाईलाइट किया। आपने इस, जहां से ये पॉइंट ऑफ अनलोडिंग है, यहां से जब अनलोडिंग की है तो आपने इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ये अनलोडिंग की लाइन बन रही है। तो ये आपके पास लोडिंग है और ये आपके पास अनलोडिंग है। अब इस केस में ये जो आपके पास आ रहा था ये, इसको कहते थे ऑफसेट, और ये परमानेंट चेंज इन शेप था। अगर स्प्रिंग है तो परमानेंट चेंज इन लेंथ होगा, सही है। तो ये क्या था, ये परमानेंटली हुक्स लॉ से बियॉन्ड चली गई बात, इसलिए शेप में चेंज आ गई। ये इस तरह का ग्राफ बनाया था। अब जरा इस ग्राफ पे वापस आ जाए, जिस पाथ के ऊपर ये एक्सटेंड हो रहा है, अगर अनलोड करें और उसी पाथ पे वापस आए और एक्सटेंशन आपके पास, देखें जब फोर्स जीरो है तो एक्सटेंशन भी जीरो है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपने एक्चुअल शेप को रिकवर कर गया, रिगेन कर गया, उसके शेप में कोई परमानेंट चेंजेस नहीं आए। अगर इस तरह का सिनेरियो बनेगा तो यहाँ पर परमानेंट चेंजेस आएंगी, ठीक है, ये रिकॉल हो गया। अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ भी जाएंगे आप। तो अब सवाल की तरफ वापिस आते हैं, तो उसने आपको बताया कि ये लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ग्राफ उसने दिया है फोर्स एक्सटेंशन का, ठीक है, और उसने कहा सेम लाइन पे है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द डिफॉर्मेशन ऑफ द वायर, वायर के डिफॉर्मेशन को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। इट इज बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक। अच्छा, प्लास्टिसिटी याद करें, प्लास्टिसिटी कब होती थी, प्लास्टिक बिहेवियर जब कहीं पे परमानेंट चेंज शेप आता था तो हम कहते थे ये प्लास्टिसिटी होगी, ये प्लास्टिक बिहेवियर है। जैसे एग्जांपल लेते थे, एक चुनियम लें आप और उसको थोड़ा सा आप उसको स्ट्रेच करें, खींचें उसको, तो और उसके बाद फोर्स को रिमूव कर दें, तो वो चुनियम जो है अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाएगा। तो इसका मतलब उसके अंदर क्या आ गया, उसका वो बिहेवियर प्लास्टिसिटी है, और जो फोर्स आपने लगाई वो हुक्स लॉ से एक्सीड कर गई, तभी तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आए। तो प्लास्टिसिटी जहां पर भी आपको नजर आएगी वहां परमानेंट चेंज इन शेप नजर आएगा, ठीक है। यानी इस डायग्राम में जो ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पर इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर दोनों है, ये रेड वाली लाइन इलास्टिसिटी का बिहेवियर स्ट्रेट लाइन दे रही है, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, और उसके बाद इस ब्लैक वाले पोर्शन में हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, और यहाँ से जब आपने अनलोडिंग की तो ये एविडेंस दे रहा है कि परमानेंट चेंज इन शेप आ गए, यानी देयर इज सर्टेन प्लास्टिसिटी, ठीक है, प्लास्टिक बिहेवियर। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये इलास्टिक बिहेवियर है और वापस ये आ रहा है, तो इसमें देयर इज नो चेंज, परमानेंट चेंज इन शेप, दैट मींस देयर इज नो प्लास्टिसिटी, कोई प्लास्टिक बिहेवियर नहीं है, ठीक है, कोई परमानेंट चेंज इन शेप नहीं आ रहा। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर नहीं बनेगा, ऑप्शन बी इट इज इलास्टिक ओनली, इट इज नीदर इलास्टिक और प्लास्टिक, ये तो खैर इट इज प्लास्टिक ओनली, तो ये प्लास्टिक भी नहीं है, ये इलास्टिक भी नहीं है। अच्छा, ये प्लास्टिक वाली बात भी समझा दूं, अगर जैसे हमारे पास कोई मटेरियल है इस तरह से,
अब ये देखे, अब आपके पास ये बिहेवियर, इसमें कहीं पर भी हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, कहीं पर भी हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, और देयर इज परमानेंट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी इलास्टिसिटी आपको नजर नहीं आ रही, यहाँ पे कहीं भी आपके पास हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक बिहेवियर नजर आएगा आपको। ठीक है, कोई इलास्टिसिटी नहीं है, हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर डी ऑप्शन होता तो ग्राफ ऐसा होता, और अगर ए ऑप्शन होता तो ग्राफ आपके पास ए ऑप्शन के लिए ग्राफ, अगर ए ऑप्शन होता तो ग्राफ ये बनता, बी ऑप्शन के लिए ग्राफ ये बन रहा है, और अगर डी ऑप्शन की बात करें तो आपके पास ग्राफ ये जा रहा है। ठीक है, तो ये भी बन सकता है कि जिस कर्व शेप के ऊपर ऊपर जा रहा है, ये वैसे होता नहीं है, जा रहा है उसी पे वापस आ रहा है, लेकिन इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर तो ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। तो बी इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोग्रेसिव वाटर वेव टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपार्ट। तो प्रोग्रेसिव वेव है, और प्रोग्रेसिव वेव के अंदर आपके पास जो है टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू, जो दो पार्टिकल पी एंड क्यू है वो ये रहे। ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर आर फिक्स्ड हॉरिजोंटल डिस्टेंस अपार्ट, इनके दरमियान जो हॉरिजोंटल डिस्टेंस है वो फिक्स है, रिमेंबर दैट, हॉरिजोंटल डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, और एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द वेव इज एज शो, ये वेव उसने शो किया हुआ है, तो इनका जो हॉरिजोंटल डिस्टेंस है दैट इज फिक्स्ड, हॉरिजोंटल डिस्टेंस इज दिस, दिस इज फिक्स, ये एक्स है, ये कॉन्स्टेंट। Which graph best represent the variation with time t of the phase difference? अब आपको phase difference का उसने कहा, यहाँ पे कहा है कि ये दो p and q particles हैं, इनके दरमियान separation fix है। Which graph best represents the variation with time t of the phase difference phi between the oscillation of the water particles p and the oscillation of the water particle q? अच्छा, ये अपनी जगह पे fixed u vibrate कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे अप एंड डाउन, और इनके दरमियान जो सेपरेशन है ये कांस्टेंट है। अच्छा, अब आप लोग रिकॉल करें, फेज डिफरेंस की इक्वेशन हमने लिखी थी, फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन लैम्डा। मैंने कहा था यहां से आपने फ्रैक्शन ऑफ साइकिल्स फाइंड करते हैं आप, और उन फ्रैक्शन ऑफ साइकिल्स को फिर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 360 से अगर ऑप्शन डिग्रीज में, और अगर रेडियन में है तो आपने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अच्छा, अब वाटर वेव प्रोग्रेसिव वेव है और हमारे पास वेवलेंथ कांस्टेंट होती है, अगर वेवलेंथ में चेंज हो रही होती तो वो क्वेश्चन में हमें जरूर मेंशन करता, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इसलिए लैम्डा कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वेवलेंथ कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, और एक्स भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इन दो पार्टिकल्स के लिए एक्स और लैम्डा जब दोनों कांस्टेंट हैं, तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में ये आता है कि इनका फेज डिफरेंस फाई जो है दैट इज कांस्टेंट एज वेल, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर अब हम ग्राफ्स को देखें तो अब आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये फेज डिफरेंस वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे, तो यू कैन सी दैट द फेज डिफरेंस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग ओवर हियर, वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो ए इज इन करेक्ट। अगर आप बी को देखें तो बी पे भी ये वेरी कर रहा है, कांस्टेंट होना चाहिए, सी को देखें तो सी में भी ये चेंज हो रही है वैल्यू, तो द ओनली वैल्यू इन विच द फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट दैट इज ऑप्शन डी। ये आपके पास ऑप्शन डी आ गया, ये इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा। हाउ आई कम टू नो, वैसे तो ये एक कॉन्सेप्ट भी है, दो जो पार्टिकल होंगे एक दूसरे के साथ पैरेलल एक ही वेव के ऊपर, उनके दरमियान फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये आपको शायद याद भी होना चाहिए, ये डिस्कस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो जस्ट फॉर द सेक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या किया, आई हैव यूज्ड दिस इक्वेशन, मैंने फेज डिफरेंस की इक्वेशन को यूज किया और इसको जस्टिफाई किया कि उनके दरमियान एक्स भी कॉन्स्टेंट है और वेव सेम है, उसकी वेवलेंथ कॉन्स्टेंट रहेगी, तो और एक्स अपॉन लैम्डा ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट रहेगी पी के लिए भी और क्यू के, यानी इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा जब तक ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम
फाइव की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारे पास डी जो है इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर बनेगा। आई होप हमारी बात क्लियर है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। ओके, बोथ वेव्स कैन बी पोलराइज, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कांट बी पोलराइज, ये तो स्ट्रेट अवे ए ऑप्शन है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सबको याद है पोलराइज नहीं हो सकती। क्यों पोलराइज नहीं हो सकती? पोलराइजेशन के लिए शर्त थी कि जो वेव की प्रोपेगेशन है, वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ऑसिलेशंस मस्ट बी परपेंडिकुलर। अगर आप अपने पोलराइजेशन के नोट्स देखें तो उसमें मैंने कंडीशन फॉर पोलराइजेशन लिखी होगी। द कंडीशन फॉर पोलराइजेशन इज दैट द ऑसिलेशंस ऑफ द मीडियम शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन। वेव जहाँ पे या एनर्जी जहाँ पे ट्रेवल करेगी उससे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो मीडियम की ऑसिलेशंस हैं और जो एनर्जी का ट्रांसफर है ये पैरेलल है। तो ऐसी वेव जिसमें एनर्जी और वेव के पार्टिकल्स की ऑसिलेशन पैरेलल होगी वो पोलराइज नहीं हो सकती। दैट इज व्हाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कांट बी पोलराइज्ड। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो पोलराइज नहीं हो सकती, इसलिए बेटा हमारे पास जो इसका आंसर होगा ये पहले ही ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट, फॉल्स है ये स्टेटमेंट उसने कहा, विच इज नॉट करेक्ट। तो दिस इज नॉट करेक्ट, ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बी सी डी भी देख लेते, बोथ वेव्स कैन फॉर्म अ स्टेशनरी वेव, बिल्कुल सही है। स्ट्रिंग्स के ऊपर हमने पढ़ा है ट्रांसवर्स वेव्स का, और ओपन या क्लोज्ड पाइप्स में साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हमने स्टेशनरी वेव स्टडी की है। बोथ वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप एक्सप्लोजन को जरा सोचें तो ग्लासेस शटर कर जाते हैं, तो साउंड वेव ट्रेवल करती है तो वो एनर्जी कैरी कर रही होती है जिसकी वजह से आपको उसका वर्क डन नजर आता है साउंड का, ग्लास शटर कर जाते हैं एक्सप्लोजन के केस में। वाटर वेव्स को सोचें, वो जब ट्रेवल कर रही है तो वो ट्रेवल करते हैं वो क्या करती है, वो भी एनर्जी ट्रांसमिट करती है। और किसी भी किस्म की वेव होगी तो उसके लिए v = f λ वैलिड होता है। तो ये तीनों बातें ट्रू है, ये तीनों बातें ट्रू है। फॉल्स जो स्टेटमेंट था, गलत स्टेटमेंट जो था वो ए था, तो ए इज द आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास है, एन ऑब्जर्वर हियर्स अ साउंड वेव emitted from a moving source. एक moving source है, उससे वो एक sound observer hear कर रहा है। Observer के पास जो frequency हमने अपने formula में लिखी थी that was f naught, ठीक है, जो source की actual frequency होती थी वो fs होती थी। अगर आप formula याद करें तो formula होता था f naught is equals to v upon v plus minus vs into एफ एस। ये हमारी डेटा शीट में भी गिवन था, अगर आप रिकॉल करें इस चीज को। तो जैसे एक एम्बुलेंस है, अब उसको सोचें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इमिटेड फ्रॉम द सोर्स। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये सिनेरियो उसने बताया है। अब जरा सोचें आप कि एम्बुलेंस जो है वो अगर सायरन बजाती हुई आपसे दूर जा रही है तो उस सूरत में आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी, ऐसे ही है ना। और अगर वो आपकी तरफ आ रही थी तो उसकी पिच बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो आपके पास टूवर्ड्स आ रही है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास ग्रेटर होगी उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो यही सिचुएशन थी ना बेटा डॉपलर में, ये दो बातें सीखी, ठीक है। और इसी के ऊपर फिर मैंने यहाँ प्लस और माइनस सिखाया था। तो अगर ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यहाँ पर इसको कम होना चाहिए, तो इधर हम माइनस रखते थे। अगर ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होगी तो यहाँ पर हम प्लस का साइन रखते थे। याद आ गया कि प्लस माइनस कैसे डिसाइड करना। तो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस, द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जस्ट बिल्कुल अवे जा रहा है, पहला ऑप्शन सही है। द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स तो हो नहीं सकता। द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द सोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्पीड मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। मीडियम के अंदर जो साउंड की स्पीड है, द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन एयर इंक्रीजेस, ये बात भी गलत है, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो बी जो है ये टुवर्ड्स, अगर बढ़ रही होती फ्रीक्वेंसी तो हम बी को चूज करते हैं, ये कम हो रही है इज लेस देन, तो दैट्स व्हाई ए इज द आंसर। आसान था डॉक्टर का ये क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट, what is the approximate range of frequencies of electromagnetic radiation
विजिबल टू द ह्यूमन आई, यानी विजिबल लाइट की बात की उसने। तो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है अगर आप याद करें तो वो हमारे पास वॉयलेट से रेड विब ग्योर, अगर आप रिकॉल करें ये स्पेक्ट्रम था। और विब ग्योर तो इसमें वॉयलेट की मैंने वेवलेंथ आपको मेरे ख्याल से 400 लिखवाई थी, फिर मैंने कहा था बेटा 50-50 का कुछ एडिशन करके अप्रोक्सीमेट आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर रेड मैंने 700 लिखवाया होगा, वॉलेट 400, ये तो सबको याद है। अब मेरे मुझे फ्रीक्वेंसीज बेटा इसकी याद नहीं थी, तो दैट इज वाई मैंने, मुझे वेवलेंथ याद है तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सी मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट डेटा शीट में है 3 × 10⁸ अपॉन 400 × 10⁻¹, नैनो का मतलब -9। तो मैंने इसको सॉल्व करना है, फिर 700 नैनोमीटर पे फ्रीक्वेंसी मैंने फाइंड की, तो ये मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा हूँ वॉयलेट की, ये फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा हूँ रेड की। तो यहाँ पर 3/700 नैनो, मैंने पहले इसी को सिंप्लीफाई किया था, तो ये मेरे पास 4.29 × 10⁴ हर्ट्ज आ रहा। अब जब मैंने ऑप्शन देखी थी तो ये किलो, मेगा, गीगा और टेरा की टर्म्स में आ रहे थे, तो मैंने कैलकुलेटर पे जब इस डेसिमल को मूव किया तो 429 × 10⁻¹² जो था वो आया मेरे पास। आप भी भले इसको कैलकुलेट करें तो जो ENG वाला फंक्शन होता है जिसपे ENG लिखा होता है, आप उसको प्रेस करेंगे, डेसिमल मूव करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आप देखेंगे 10⁻¹² हो रहा है। 10⁻¹² का मतलब टेरा। तो यहीं से मुझे फिर इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये टेरा वाली जो ऑप्शन है ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको बगैर कैलकुलेटर यूज किए 10⁻¹⁹ पे ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आप खुद देख लीजिएगा। मैंने कैलकुलेटर पे देख लिया था तो मुझे डी ऑप्शन मिल गया था। ये आई होप इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा मैथ्स नहीं है, ये आप खुद वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन पोलराइजेशन का क्वेश्चन है। अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ पोलराइजिंग फिल्टर, द फिल्टर कैन बी रोटेटेड सो दैट इट इज ऑलवेज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द बीम, द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फिल्टर इज इनिशियली वर्टिकल, ठीक है, द ट्रांसमिशन एक्सिस इज इनिशियली वर्टिकल, ये इनिशियली वर्टिकल है। द फिल्टर इज फर्स्ट रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट किया इन्होंने, सो दैट द ट्रांसमिशन लाइट वेव्स हैव इंटेंसिटी I 30। जब इसने इसको 30 रोटेट किया तो उस वक्त जो रिसीव्ड इंटेंसिटी है, यानी अगर ये आपके पास फिल्टर है, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, इसको 30 डिग्री रोटेट किया, जो यहां पर आपको ये लाइट मिल रही है इसकी इंटेंसिटी I 30 है, और इंसिडेंट इंटेंसिटी ये आपके पास से दैट इज I 0, ठीक है। ये सिचुएशन समझ में आ गई है, ये इंसिडेंट इंटेंसिटी है, ये पहले वर्टिकल यू था, फिर इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज, ये 30 डिग्री पे चला गया, उस वक्त जो रिसीव्ड इंटेंसिटी है दैट इज I 30। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट समझ में आ गई। द फिल्टर इज देन रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय अ फर्दर एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी इसको फर्दर 30 डिग्री उसने और रोटेट कर दिया। जब उसने इसको फर्दर 30 डिग्री रोटेट किया तो अब ये फर्दर 30 डिग्री रोटेट हो गया, अब आपके पास ये टोटल एंगल बन गया 60। तो अब जो आपके पास ये बनेगी, ये मैं इसको नाम दे रहा हूँ I 60, ये इंटेंसिटी 60 डिग्री पे जो बन रही है दैट इज I 60। आई होप सिचुएशन क्लियर है। तो I 60 यानी जो न्यू इंटेंसिटी है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। द फिल्टर इज फर्स्ट रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 30 डिग्री, so that the transmitted light waves have intensity I 30. The filter is then rotated clockwise by a further angle of 30 degree. What is the new intensity of transmitted light waves? So light waves की new intensity आपको find करनी है, यानी I 60 आपको find करना है। Mollis principle को situation 1 पे apply करते हैं। मैं दोबारा से ये diagram draw कर रहा हूँ। ये हमारी सिचुएशन वन है, इस सिचुएशन पे मॉलिस को अप्लाई करते हैं, तो मॉलिस के मुताबिक जो आई रिसीव्ड है इज इक्वल्स टू इंसिडेंट I 0 cos² थीटा।
ये आई थर्टी जो है दिस इज आई रिसीव्ड, आई नॉट इज द इंसिडेंट वन. तो अब मैं अगर यहां से इस इक्वेशन को लिखूं, आई आर की जगह आ जाएगा आई थर्टी, ये आ गया आई नॉट कॉस 30 स्क्वायर. कॉस स्क्वायर 30 ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई. ठीक है, आई होप इसमें मसला नहीं है. फिर उसके बाद इस फिल्टर को ये अब हमारे पास ये वर्टिकल और अब ये 60 डिग्री पे आ गया. अब जो इंटेंसिटी यहां पे मिल रही है दिस इज न्यू इंटेंसिटी इज आई 60. ठीक है, अब ये आपके पास वही आई नॉट वही है बेटा, एंगल उसने बढ़ाया है, कोई नया फिल्टर नहीं लगा हुआ इसमें. जैसे प्रीवियस P2 में हम करते थे वहां नए फिल्टर होते थे. अब दोबारा मॉलिस लगाए तो आई रिसीव्ड इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. तो इन दिस केस आई रिसीव्ड इज आई 60, दैट इज द न्यू इंटेंसिटी. आई नॉट इज द इंसिडेंट वन, कॉस स्क्वायर 60. ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास जो है दो इक्वेशंस आ गए. अब आपको कौन सी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, आपको फाइंड करनी है आई 60. ये न्यू इंटेंसिटी आपके पास रिक्वायर्ड है, ये आपके पास जो है दिस वन इज टू बी कैलकुलेटेड, ये आपको फाइंड करना. अब जो आंसर देखें, ऑप्शंस मैंने देखी सारी, तो ऑप्शंस मेरे पास थी सारी की सारी आई 30 की टर्म. तो फिर मैंने इसको क्या किया, आई 60 और आई 30 की वैल्यूज को डिवाइड कर दिया. आप डिवाइड कर लें या आई नॉट को सब्जेक्ट बना के कंपेयर कर लें, जैसे आपको आसानी हो. ठीक है, मैंने दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया. अगर आप में से कोई कंपेयर करना चाह रहा है तो कंपेयर कर लें, आई नॉट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लें. दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें. अब cos 60 की वैल्यू फाइंड करें और उस पे स्क्वायर कर दें. cos 60 1/2 होता है, उस पे स्क्वायर आ गया. cos 30 जो है 0.866 है, उस पे स्क्वायर कर दें into i 30 equals to i 60. समझ आ गई है ये cos square 60, cos square 30 कैसे फाइंड करेंगे. पहले cos 60 की वैल्यू फाइंड करें कैलकुलेटर पे, जो आंसर आएगा वो 0.5 होगा, फिर उसका स्क्वायर करें. ऐसा नहीं है कि आप एंगल के ऊपर स्क्वायर करके cos की वैल्यू फाइंड कर लें, ऐसा नहीं है. ठीक है, ये अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं. तो ये आंसर आपने जब इसको सॉल्व किया हो तो आपके पास आंसर आ गया 0.33 i 30. ये प्लीज